11th क्लास, आज आप संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हेमिकॉर्डेटा संघ जो है, यह पहले कॉर्डेटा के रूप में ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे कॉर्डेटा संघ से अलग कर दिया गया है, क्योंकि कॉर्डेटा का मुख्य लक्षण था नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। आप 9th क्लास में भी इसको आप पढ़े होंगे, है ना। वह रज्जु की है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा जो है ये वास्तव में अरज्जु की, यानी नोटोकॉर्ड जो है यह इसमें विवादास्पद है कि शरीर के अगले भाग में होता है या नहीं भी होता है, इस प्रकार से माना जाता है। इसके कुछ विशेषताओं के बारे में आप जानेंगे। यह संघ में एक छोटा समूह के कृमिनुमा समुद्रिक जंतु है, जो समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है, लेकिन इसमें जैव व्यवस्था के अंग अस्तर माने जाते हैं, यानी इसके शरीर में विभिन्न अंगों का बना हुआ अंगतंत्र होता है, इसीलिए इसको अंगतंत्र अस्तर कहा गया है। शरीर देखने से तो आपको बेलनाकार, और शरीर के तीन भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है सुंड, छोटा सा भाग, उसके बाद छोटा सा ही भाग है जिसको बोलते कॉलर, और बड़ा सा भाग है ये कहलाता है धर, ट्रंक। इसमें नोटोकॉर्ड तो आपको पहले ही बतला दिए विवादास्पद है, शरीर के केवल अगले ही भाग में हो सकता है, संपूर्ण शरीर में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, और ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जो कॉर्डेटा का मुख्य लक्षण है कि गिल्स स्लिट का पाया जाना, ग्रसनी में गिल्स स्लिट का पाया जाना, युग्मित गिल्स स्लिट का पाया जाना, ये कॉर्डेटा का लक्षण है, तो ये इसमें पाया जाता है और इसी से श्वसन होता है। इसमें पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु भी पाया जाता है, और परिसंचरण तंत्र बंद होता है। इसमें जो शरीर का पहला भाग आपको दिख बतलाए सुंड, ये एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है, और नर और मादा अलग अलग होता है। निषेचन बाह्य होती है, परिवर्धन में लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इसके लार्वा को ना टोनेरिया लार्वा अप्रत्यक्ष रूप से विकास की प्रक्रिया संपादित होती है। उदाहरण है बेलनोग्लोसस, आपको दैनिक जीवन में ये जीव देखने के लिए नहीं मिलेगा, और साइकोग्लोसस ये भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है हमारे दैनिक जीवन में, ना आसपास में ये दोनों जीव आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको कॉर्डेटा संघ के बारे में ही जानना है, पढ़ना है। तो कॉर्डेटा संघ में मुख्य रूप से जो भी कशेरुकी, उसको हम लोग कॉर्डेटा को बोलते हैं ना, ये कशेरुकी, ये रज्जु की है, इसमें नोटोकॉर्ड का पाया जाना ये मुख्य लक्षण है, और पृष्ठ नालाकार तंत्रिका रज्जु का पाया जाना, युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र का पाया जाना, ये सब मुख्य रूप से, ये तीन मुख्य लक्षण हैं जो सभी कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो अगली क्लास में आप कॉर्डेटा संघ के बारे में ही जानेंगे।